अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन में हम बात करेंगे आज अमेरिकन इलेक्शन के वाले से। कुछ ही दिन बाकी हैं अमेरिका के इलेक्शन में और मुकाबला बड़ा सख्त है और पाकिस्तान अमेरिका के इलेक्शन के वाले से बड़ी गहरी नज़र रखता है। पाकिस्तान में जो जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान के तमाम शहरी जो हैं, पाकिस्तान के हर शहरी वो अमेरिका में होने वाली तब्दीली या अमेरिका में होने वाले इंतखाबात के हवाले से बड़ी तशवीश रखता है, बड़ी संजीदगी रखता है, बड़ी सोच रखता है, क्योंकि अमेरिका में क्या होने जा रहा है, वहाँ पे बरसर इक्तदार कौन सी जमात होगी, ये एक बड़े अहम सवालात होंगे। आज ही के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, फैज रहमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका में ही मौजूद हैं, उनके साथ गुफ्तगू का आगाज करते हैं और उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज साहब। वालेकुम सलाम मुदस्सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। वैसे सबसे पहले, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बड़ा सोचते हैं अमेरिका के इलेक्शन के हवाले से, और सोच ये रहे हैं कि अगर ट्रंप साहब आ गए तो फिर क्या होगा, दूसरी पार्टी के अगर कैंडिडेट कोई आ गया तो क्या होगा, एक्चुअल पोजीशन क्या है, क्योंकि बाइडन साहब के विड्रॉ होने के बाद तो सूरत हाल कुछ कांटेदार मुकाबला यहाँ पे हमें बैठते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि आप अमेरिका में बैठे हैं तो एक्चुअल पोजीशन हमें बता सकते हैं। पहले तो मैं चाहूंगा हमारे नाजरीन को वहाँ की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी जी, अगेन बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, जो आपने जो सवाल किया है, जाहिर है वो सबके जहनों में है कि कौन बनेगा करोड़पति, सो टू स्पीक, यू नो, कौन संभालेगा इस इंतहाई अहम मुल्क की बागडोर। और ये भी आपने सही कहा कि जब बाइडन साहब रेस में थे तो बिल्कुल एक लग रहा था मामला कि बाइडन बहुत बुरी तरह हारेंगे और ट्रंप जो है वो सब कुछ यू नो बहुत ज़्यादा एक स्वीप कर लेंगे, पूरा एक लैंडस्लाइड। लेकिन जब से कमला हारिस इस रेस में शामिल हुई हैं, उसके बाद से मामला जो हैं वो चेंज हुए हैं। यानी अब ऐसा हुआ है कि वो इतनी एक ज़ाहिर है उनकी उम्र मुकाबलतन कम है, मुकाबलतन यू नो जवान हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, और उन्होंने जो है एक तरह से पूरी पार्टी को, डेमोक्रेटिक पार्टी को, जो बहुत एक तरह से आपस अंदरूनी खुलफशार और मायूसी का शिकार हो चुकी थी किसी हद तक, उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने री एनर्जाइज कर दिया और रिवाइटलाइज कर दिया। तो अब जो कहने का ये है, कहने की जो बात है वो ये कि दोनों का जो मुकाबला है वो कांटे का मुकाबला है, लिटरली, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ नहीं कहा जा सकता अभी भी, क्योंकि अभी सिर्फ 4-5 रोज ही रह गए हैं इलेक्शंस में। लेकिन जो यहाँ का जो एक मखसूस निज़ाम है, और चूँकि आपके ज़्यादातर नाज़रीन अमेरिका के ही होते हैं देसी टीवी के, तो इनको मालूम है कि यहाँ पर जो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सबसे ज़्यादा वोट्स, जो जिन्हें पॉपुलर वोट्स कहते हैं, वन वोट, वन पर्सन वन वोट, वो कौन लेता है। असल जो मुकाबला होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स, यानी जो हर स्टेट के एक आबादी की मुनासबत से उनके वोट्स होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स। और यहाँ पर तकरीबन तमाम स्टेट्स पे एक लॉ ये है कि हर वो पार्टी या वो कैंडिडेट, रिजल्ट कितने दिनों में कंपाइल हो जाता है भाई साहब? ये तो उसी ये रियल टाइम में होता है, रियल टाइम। यहाँ वाला चक्कर तो नहीं है पाकिस्तान वाला के, चले जी आरटीएस और दीगर मामला जैसे रुक जाता है, नेट का मसला, सोशल मीडिया, दीगर इश्यूज, नहीं ये वाला तो नहीं, वो मसाइल यहाँ नहीं है, जो टेक्निकल मसाइल है कोट एंड कोट असल। लेकिन यहाँ हुआ है ऐसा कि नतीज बहुत दिनों तक नहीं आते, उसकी वजह यह है कि वो कुछ वोटों की जो, अगर फर्ज कीजिए कि बिल्कुल मामला डाउन टू द वायर जिसे कहते हैं, यानी ऐसा आ जाए कि सन 2000 में हुआ था जॉर्ज बुश, जो छोटे जॉर्ज बुश हैं, और एल गोर जो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, तो फ्लोरिडा के कुछ चंद वोटों की गिनती से, 600-700 वोटों की गिनती से वो हार गए थे एल गोर डेमोक्रेटिक पार्टी के। तो उसमें काफ़ी वक्त लग गया था, उसकी अदालत में चैलेंज हो गया था, ये हुआ था वो हुआ था, तो नतीज में जो हतमी नतीज आने में देर लगे थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि कोई मशीन बैठ गई हो या कोई टेक्निकल मामला ख़राब हो गया। तो ये वही बहरहाल जो इस वक्त यही है कि जो 7 स्टेट्स हैं ऐसी जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, उनका तो एक तय है कि वो कहाँ जाएंगे उनके लिए, मतलब मिसाल के तौर पर टैक्सेस है, सबको मालूम है कि टैक्सेस जो है वो एक
रिपब्लिकन स्टेट है, कैलिफोर्निया हमेशा डेमोक्रेटिक है, या न्यूयॉर्क है डेमोक्रेटिक है, साउथ कैरोलिना डेमोक्रेटिक, मिसिसिपी, तो बहुत सी जो स्टेट्स हैं ज़्यादातर उनके बारे में हमें मालूम है कि क्या वो रेड हैं या वाइट, यानी ये क्या डेमोक्रेटिक हैं या रिपब्लिकन है। तो ये जो 7 स्टेट्स हैं इनमें मुकाबला इसलिए है कि वहाँ के वोटर्स जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं, यानी जो हालात को और कैंडिडेट्स के एजेंडास को देख कर वोट देते हैं, तो वो उनकी तादाद, और चूंकि छोटी स्टेट्स हैं, ज़्यादा बड़े स्टेट्स नहीं हैं, तो वहाँ पर अगर फर्स्ट मामला फंस जाता है किसी एक कैंडिडेट का, तो वो इलेक्शन लूज कर सकता है, और यही चल रहा है स्टेट्स में। हमें मुदस्सर इकबाल ने भी ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन आपको बताते चले जी, मुदस्सर इकबाल का ताल्लुक, ऐसे तो फैज साहब का ताल्लुक भी पाकिस्तान से, लेकिन फैज साहब अभी काफी अरसे से रहायश पजीर हैं अमेरिका के अंदर, लेकिन मुदस्सर इकबाल साहब क्योंकि अमेरिका इलेक्शन कवर करने के लिए वहां पे गए हुए हैं और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और यहाँ की सुर्खियां से काफी वाकिफ भी हैं। तो मुदस्सर भाई आप अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं, अमेरिकन इलेक्शन को भी बड़ा देख रहे हैं और कवर करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पे। इलेक्शन से पहले की जो गहमा गहमी होती है जो पाकिस्तान में आपने अमूमन देखी होगी, क्या यहाँ पे भी कोई ऐसे बड़े बड़े जलसे होते हैं, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, यहाँ की सुर्तियाल कोई ऐसी है, मुकाबले हो रहे हैं, किसी हामी और मुखालिफ किसी को उठाया जा रहा है, किसी को बिठाया जा रहा है, ये सुर्तियाल यहाँ नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया मुदस्सर साहब, आपने बड़ी तफसील से जिक्र किया और यकीन फैज भाई ने भी इलेक्शन के हवाले से, ये चूंकि यहाँ के रेजिडेंट हैं तो उनको हमसे ज्यादा मालूम हैं, लोगों के दरमियान रहते हैं। तो मुझे जो पिछले 10 दिन में अंदाजा हुआ, एक तो जो आखिरी सवाल आपने किया कि इलेक्शन की गहमा गहमी, यकीन माने यहाँ सबसे जो कीमती चीज है वो वक्त है, और मेरे ख्याल में यहाँ जितने भी लोग हैं उनके पास इस चीज का वक्त ही नहीं कि वो किसी के लिए घंटों जो है वो सड़कों पे आके खड़े रहे, दमाड़ डालते रहे, गाड़ियां लेके घूमते रहे और इंतजार करें और फिर एक मेस क्रिएट करें, वो मुझे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आया। किसी एक हाल में, किसी एक कम्युनिटी में, किसी स्कूल की किसी बाउंड्री के अंदर कोई इवेंट हो रहा है तो बड़े मुहज्जब अंदाज में। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मुदस्सर साहब यहाँ पे नजर आई, मुखालफत यहाँ पे भी है, मुकालमाबाजी यहाँ पे भी बड़ी सख्त किस्म की होती है, लेकिन सामने दोनों खड़े हुए जो लोग हैं, दोनों कंटेस्ट जो हैं आपस में मुकाबला करने वाले, बड़ी खुश दिली से उन अल्फाज का सामना भी करते हैं और जवाब भी देते हैं, और जब एंड करते हैं तो एक गले मिलके एक गुड जैसे के साथ वो अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। यकीनन मैं अक्सर, आप जब से मैं आया हूं तो मैं दोस्तों से, क्योंकि मेरा ज्यादा रब्ता पाकिस्तानी कम्युनिटी से या जो यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज जिनको आती है उनमें ज्यादा उठना बैठना हुआ है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि कितनी आसानी से हम वहां बैठ के अपने ममालिक में इस इन स्टेट्स को या इस कंट्री को हवाले से बड़ी बड़ी बात कर देते हैं, लेकिन जब आप उसको एग्जामिन करते हैं, जब आपके पास आके देखते हैं, तो आपका अंदाजा होता है कि आप तकरीबन 100 नहीं शायद 150 साल पीछे हैं, स्पेशली खासकर एथिक्स के लिहाज से, वो चाहे किसी भी शोबे में, वो इलेक्शन को छोड़ के वो कोई भी शोबा ले लें उसमें आपको नजर आता है, तो हम शायद बहुत दूर हैं। जिस अंदाज में पाकिस्तान के लोग अमेरिका और पाकिस्तान के इलेक्शन को कंपेयर कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो यकीनन यहाँ पे नहीं है। ये हाँ, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में जरूर एक जोश और वलवला है, क्योंकि मैं जिन लोगों में रहा हूँ या जिन लोगों से मिला हूँ ज्यादातर वो फॉलोअर हैं इमरान खान साहब के, तो उनकी ख्वाहिश और उनकी चीजें और उनकी बातें, उन्होंने अमेरिकन से ज्यादा इस इलेक्शन को अपने सर पे सवार किया हुआ है। मेरी जो अमेरिकन है उनसे भी गुफ्तगू हुई है, पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करें, पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, उनसे बात करें जो लोकल हैं इनके, तो उनसे बात करें, उसके पीछे वजह क्या है, वो कोई उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कौन आएगा तो फिर कोई रिलीफ देगा। मैं यही कहना चाह रहा था कि यहाँ जो लोकल हैं, जो लोकल गोरे हैं या अगर साथ रात से यहाँ पे रह रहे हैं, यकीन माने उनके लिए ये मैटर ही नहीं करता कौन आएगा, बस वो देखते हैं पॉलिसी किसकी है, चीजें हैं और अपने काम से काम, उनके पास इतनी बातों का वक्त ही नहीं है। हमारी कम्युनिटी एक ऐसी है जिसके पास बहुत ज्यादा वक्त मौजूद है, उसको डिस्कस करना है अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान के इशू, पाकिस्तान अमेरिका में वो 25-25, 30-30 साल से रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से वो बड़े परेशान हैं, पाकिस्तान जाना नहीं चाहते, पाकिस्तान के हवाले से ऐसी ऐसी बात कर जाते हैं कि ना तकलीफ होती है कि ये लोग कैसे पाकिस्तान के पासपोर्ट पर यहाँ आए, शनाख्त पाकिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी कहते हैं, लेकिन उस अंदाज में पाकिस्तान को यहाँ डिस्प्ले करते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार हम भी वहां से आए हैं, नो डाउट हमको बड़े डॉलर नहीं कमाते, बहुत ज्यादा हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम वहां रहते हैं, हम उस सिस्टम में रहते हैं,
खराबियां हैं यहाँ पे भी हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ पे खराबियां छुपानी आती हैं, हमें वहां जरा खराबियां दिखानी आती हैं, इतना सा फर्क है। तो इलेक्शन जो है, इलेक्शन पे जो हम टॉपिक बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्शन है, जो मुझे नजर आया है, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो ज्यादा कीन है इस हवाले से। और आपने जो बात की है बिल्कुल ठीक बात है, वो समझते हैं कि ट्रंप अगर हुकूमत में आएंगे तो इमरान खान जो है वो जेल की दीवारें तोड़ते हुए बाहर आ जाएंगे। अच्छा, सही सही फैज साहब, ये जो मुदस्सर भाई बात कर रहे हैं कि ये जो इन्होंने, क्योंकि इन्होंने तो 10 दिन का अज्यूम किया है ना, 10 दिन रहे हैं वहां पे, क्योंकि इमरान खान के बारे में जो तासुर है कि ट्रंप के साथ उनकी बड़ी अलग से लेके, यहाँ पे साजिद तारण साहब भी आए हुए हैं, पाकिस्तान में मौजूद है, उनके साथ भी एक नशिस्त हुई थी, तो वो तो कह रहे हैं जी इमरान खान से ट्रंप बड़े नाराज है, अगर वो आ गए तो वो उम्मीदें ना लगाए। तो वाकई भी ये मतलब अलग अलग वॉशिंगटन में हूँ, तो कब इस तरफ आए थे? वॉशिंगटन था 10 दिन, वर्ल्ड बैंक की थी, उधर से इधर ही आए और रात ही आए। अच्छा अच्छा, बस चलिए फिर इंशाल्लाह आपसे रहेगा रब्ता। देखिए ये भी हमारे मुदस्सर भाई भी जानते हैं चौधरी साहब, और देखिए हम में और जो हमारे ममालिक हैं जो तरक्की पजीर हैं या बैकवर्ड कंट्रीज हैं उनमें और सुपर पावर्स में जो सिविलाइज कंट्रीज हैं उनमें फ़र्क यही होता है कि यहाँ किसी एक पर्सनल विम्स पे, यानी एक किसी की ज़ाती नापसंद और पसंद पर फौरी फैसले नहीं होते, आप हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता। वहां जो इस तरह की जो उम्मीदें बांधी गई हैं एक प्रोपेगेंडा, तो बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं, और मैं अपने उसमें नाम भी देता हूँ, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मुशाहिद हुसैन साहब, तो उन्होंने मुसलसल एक हर जिस शो पे जाते हैं वो यही कहते हैं जी वो आप पहला जो जैसी इलेक्शन होंगे उस दिन पहले दिन ही ट्रंप की कॉल आ जाएगी और आपको छोड़ना पड़ेगा इमरान खान, तो अभी छोड़ दें। तो ये उनकी बिल्कुल एक टिपिकल लाइन, ऐसा नहीं होता। मुशाहिद साहब भी अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे ट्रंप हो, ट्रंप कॉल क्यों करेगा, चले इस थ्योरी को मान लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता, इसकी वजह क्या है? हाँ नहीं, वो देखिए हो सकता है कि देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि वो एक बहरहाल, और क्या उस कॉल को माना जाएगा वैसे, अगर पाकिस्तान में इतना मतलब इस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है कि कोई कॉल करे जी हम मान लेते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा जाहिर है क्वेश्चन मार्क, और आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप बेहतर जानते हैं कि वाकई कैसा होगा। नहीं मान लेंगे, जाहिर है, देखिए अगर प्रेसिडेंट की तरफ से कॉल जाती है, अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, और वो आर्मी चीफ को या वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, तो मेरा ख्याल है एहतरामन वो चीजें मानी जाएंगी। तो मुझे आप नहीं समझते क्यों ट्रंप क्यों कॉल करेंगे, उस क्यों का जवाब अगर आपके पास है? देखिए क्यों से मैंने एक पहली चीज तो मैं ये रूल आउट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि वो पहले दिन ही आपको कॉल आ जाएगी। अच्छा, अब आप कह रहे हैं क्यों कॉल, अगर हो ये हो सकता है कि यहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट में और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और व्हाइट हाउस में कोई पॉलिसी चेंज आए पाकिस्तान के हवाले से, और वहाँ जो इस वक्त चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, उसकी वजह ये है कि यहाँ जैसे कि आपने अभी खुद फरमाया कि आप वहाँ पेंसिल्वेनिया में और जब मुख्तलिफ जगहों पे आप गए हैं, तो आपने देखा कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर इमरान खान को पसंद करते हैं। अच्छा, इसमें जो एक देखिए ये जो यहाँ पर यक बाद दीगरे जो लेटर राइटिंग एक कैंपेन शुरू हुई है कांग्रेस के हवाले से, जो तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। अच्छा, वो पैसा ये नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई खराब पैसा है या वो कहीं और से आया है, वो यहाँ के जो मुतमव्वल लोग हैं, जो रिच लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, जेन्युइन मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो अपना पैसा उस पर लगा रहे हैं उनका। जैसे आप पेंसिल्वेनिया में आप जाएं, वहाँ छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो 60 पार्लियामेंटेरियन ने खत लिखे हैं, वो पैसे की बुनियाद पे लिखे हैं, मतलब उनको पैसा दिया गया है। नहीं नहीं, एग्जैक्टली यही होता है, देखिए वो एक प्रोसेस है। हम तो सोचते हैं कि पाकिस्तान के सियासतदान बदनाम है इस मामले में, ये तो अमेरिका में भी यही तरीका है। उसका तरीका ये होता है कि देखिए मैं अगर जो मेरा यहाँ का जो कांग्रेसमैन है, अगर उसको हमारी खातून कांग्रेस पर्सन है यहाँ पर, मैं उनको अपने घर बुलाऊँ, और अगर मैं यहाँ उनको एक अच्छा डोनर हूँ उनकी कैंपेन का, और मेरे आसपास का एक ग्रुप भी ऐसा है कि जिनको अच्छे डोनेशन देता है, तो बहुत आसानी से
वो लेटर पर साइन कर देंगे बहुत आसानी से, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि उनका, देखिए जैसे मिसाल के तौर पर इसराइल का कोई मसला है, ठीक है, या बर्तानिया का, जर्मनी का कोई मसला है, यूक्रेन का कोई मसला है, तो वहां पर जो लेटर राइट करने में 10 दफा एक कांग्रेसमैन सोचेगा, क्योंकि उसको उसकी कीमत भी देना पड़ती है, यानी वो उसकी मुखालिफत भी होगी, उसके वो वोट्स कुछ कम हो जाएंगे और कुछ और लोग नाराज भी हो जाएंगे। लेकिन ये अमेरिका का ऐसा इशू है यार, लाओ मैम क्या है, मुझे क्या, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है, मुझे $5,000 का डोनेशन नहीं मिल रहा है ना, ये मुझे कुछ 2-4 वोट्स भी दिलवा देगा, कुछ यू नो आगे इसके दोस्त एक $10,000-$15,000 और मुझे कैंपेन को दे देंगे। तो यहाँ पर हर 2 साल बाद कांग्रेस मैन को इलेक्शन में जाना पड़ता है, हर 2 साल बाद, और उसके लिए उसको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स रेस करना पड़ते हैं हर 2 साल। तो इनके लिए $5,000-$10,000 की बड़ी, इसका मतलब है फैसा, इसका मतलब यहाँ पे भी इलेक्शन में खड़ा होना गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। गरीब आदमी की बस की बात इस तरह से है कि अगर उसका नेटवर्क ऐसा है, अमीरों के लिए वो काम कर रहा है, उनके एजेंडा पे, उनको एजेंडा को पूरा करेगा, जैसे ओबामा साहब है, कोई बहुत अमीर आदमी नहीं थे, वो भी एक मतलब छोटे मोटे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर थे, सोशल वर्कर थे शिकागो में, लेकिन उन्होंने अपना एक नेटवर्क और अपना एक कोलिशन बिल्ड किया था। इस तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुर्बत से भी आगे आए हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर नेटवर्किंग की जरूरत होती है, एक प्रॉपर आपका कोएलिशन बनाना पड़ता है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। है यहाँ पर इसका इस चीज का इम्कान, लेकिन पैसे के बगैर यहाँ कोई काम नहीं होता। अब देखिए ना, जब कमला हारिस भी कोई बहुत अमीर खातून नहीं थी, उनके अम्मा अब्बा जो है वो एक एवरेज मिडिल क्लास के लोग थे, लेकिन अभी उनकी कैंपेन ने ओवर $1 बिलियन यानी बिलियंस विद अ बी रेस किए हैं। तो इसका मतलब ये पैसा मैटर करता है, और पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो अमीर लोग हैं यहाँ पर, जिनके पास कुछ डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी सी ज्यादा है, वो इमरान खान की रिहाई के लिए एक कैंपेन चला रहे हैं। और जैसे कि हमारे भाई ने पूछा, मुदस्सर भाई ने, कि क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल एक तो ये कि वो जाहिर है एक जेन्युइन उनकी मोहब्बत है, एक पुराना एक रोमांस है 92 से, फिर उसके बाद ये देखिए कि हर साल इमरान खान यहाँ आते थे, और यही जो अमीर लोग हैं उनके शौकत खानम की जो कैंपेन होती थी उसके लिए डोनेशंस देते थे, उनको देखते थे, उनसे मिलते थे, तो एक पर्सनल एक बॉन्ड क्रिएट किया है अमेरिका और यूरोप, खुसूसन यूके में इमरान खान ने, इसमें उनको उसका क्रेडिट जाता है, और वो ऐसे लोग हैं जो कमिटेड हैं, और वो पैसा जो शौकत खानम को देते हुए आए हैं, अब उससे ज्यादा पैसा वो उनकी रिहाई के लिए लगाने पर तैयार हैं और लगा रहे हैं, और उसका असर आप ये देख रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक इतनी फॉरेन कंट्री के मामलात में एक पूरी कांग्रेस जो है 368 वोट्स दोनों तरफ के लोग, यानी रिपब्लिकन्स भी और डेमोक्रेट्स भी, वो वोट दें और ये कहें कि जी आप उनको रिहा करें, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा। असल बात यही है कि लेकिन मुदस्सर भाई आपसे पूछना चाहूंगा कि ये फैज साहब ने जो खबर दी है, एक तरह की हमारे लिए तो खबर है, ये जो फॉरेन फंडिंग का मामला चलता है ना यहाँ पे, फॉरेन अकबर बाबर साहब ये तो तस्दीक कर रहे हैं कि अमेरिका का पैसा चल रहा है खान साहब के लिए, इनके फॉरेन फंडिंग दोस्त है। लेकिन मैं बताऊं, बिल्कुल फैज भाई ठीक है, इसको आप फॉरेन फंडिंग का नाम दे दो, कुछ भी है, पैसा चलता है किसी भी, ये हम चूंकि वही बात है कि हम थोड़ी छोटे ममालिक हैं, शायद इसी वजह से हमारी सोच भी छोटी रह जाती है। दुनिया भर में जहां पे भी टॉप लेवल पे सियासत हो रही है, वहां एस्टेब्लिशमेंट भी है, पैसा भी है, और असर रसूख भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चले उनकी जरा कमिटमेंट और चीजें, जरा सिस्टम ऐसा बन चुका है, ऐसा बना दिया है जो उससे दाएं बाएं हो नहीं सकता। हमारे सिस्टम में दाएं बाएं निकल जाते हैं, उसमें बड़े सारे लूप्स मौजूद हैं, हम उसमें मैनेज कर लेते हैं, फाट 45-7 DRS चीजें, यहाँ पे भी कुछ है। इनको पूछे पिछले इलेक्शन में क्या अचानक से रिजल्ट आना बंद नहीं हो गए थे, यहाँ पे लोग इंतजार करते रहे कि रिजल्ट आए और लोग देख रहे थे ये क्या हो रहा है, क्यों तब्दीली आ गई, और फिर ट्रंप ने खुद कहा कि देखे मेरे मुझे हराने में जो है वो एजेंसियों का रोल है, और सारा इससे पहले जब ट्रंप जीते तो यही जो दूसरी पार्टी है बाइडन वाली, इन्होंने कहा जी देखें इसको रशिया ने मदाखलत की और ट्रंप को जितवा दिया, तो सारी चीजें मौजूद हैं। मैंने वही बात कहा मुदस्सर साहब, हम पॉजिटिव चीजों पे बहुत कम डिस्कस करते हैं, और हम शायद अनफॉर्चुनेटली हम मेंटली तौर पे इतने सिक हो चुके हैं, मेरे समेत, पहले मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ उसके बाद बाकी सबको करता हूँ, कि हमें पाकिस्तान में बुरी चीज के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, हम हाईलाइट करते हैं। ये देखिए पिछले दिनों में वाकया था, आपने रिपोर्ट किए होंगे, क्या निकला उनका,
ये बच्चों वाला वाकया जो छोटी बच्ची वाला पंजाब का था उसको यहाँ इस अंदाज में पेश किया, मुझे हर कोई वीडियो क्लिप दिखा रहा है यूट्यूबर्स के, ये देखें ये देखें। मैंने कहा यार मेरी आज फ्लाइट थी, आज ही के दिन पंजाब का जो कॉलेज है वो जला है, मैं मौके पे मौजूद था, मुझे पता है वहां पे क्या हुआ। इसलिए ना करें ये जिनकी बातें आप सुन रहे हैं, जिनको आप लाइक्स और व्यूज कर रहे हैं, आप जब एआई का जमाना है आप लिखें मुदस्सर हुसैन राजपूत को सुनना शुरू कर दें, शाम तक हम आपकी वीडियो सुनेंगे और जेन साजी भी कर लेंगे कि जो मुदस्सर राजपूत कह रहे हैं वही ठीक है। हर जगह इन्वॉल्व है, लॉबिंग यहाँ पे भी की जा रही है, वो चाहे पीएमएलएन की तरफ से की जा रही हो, हुकूमत की तरफ से की जा रही हो, बल्कि मैं आपको खबर भी दे जाता हूँ कि हमारे अदारे की तरफ से भी आप लॉबिंग फर्म जो है हायर की गई है, उसके हवाले से भी यहाँ शनीद है कि उन्होंने भी ये जो नैरेटिव यहाँ बनता है ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, आप ढूंढ लीजिएगा, मुझे ना वापस मैंने आना मरवाना दीजिएगा मेरे पर नाम लिख रहे हौसला दे दिया कि डॉन कर चुका है, फिर हमारी बारी बाद में ही आएगी कहीं। तो लॉबी देखिए इस्लामाबाद में जो इपरी है ना थिंक टैंक इसका, उसने बाकायदा हायर किया है, डिमांड किया है कि ये जो नैरेटिव है तो ये की जाता है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सेनेटर्स को जहाँ जो इलेक्शन लड़ते हैं उनको डोनेशन चाहिए, उनको क्या लगे पाकिस्तान से, उनको तो शायद इस मुद्दे का भी पता नहीं होगा कि ये है क्या, एक खाता है उसको साइन कराना है, उसको सबमिट कर देना है, 62 सेनेटर ने कर दिया, 66 ने कर दिया, 70 ने कर दिया, उनको इशू नहीं, उनको इशू अपनी कम्युनिटी से है कि ये जो बंदा मेरे साइन करा रहा है ये मुझे डोनेशन दे रहा है, या इसका हल्का है बाब उसके वोट जो है वो सर रसूख रखते हैं और मैं उसको कर दूं। ओवरऑल वही बात है कि आपको जब आपने दूसरी साइड को देखना ही नहीं, आपको मैं अभी बात बता रहा हूँ या फैज भाई को बात बता रहे हैं, वहां से बैठ के हमारी बातों को ही सुन के आगे डिस्प्ले कर देंगे, आई थिंक नॉट गुड। आपको जब हमारी बातें आप सुनेंगे कि अकेले में बैठेंगे गूगल करेंगे या सर्च करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये गलत कह रहे थे सही कह रहे थे, कितने लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली है, एक साइड बात तहकीक करके आप प्रेजेंट करें। मैं हमेशा कहता हूँ, आप तो जानते हैं मेरे सीनियर भी हैं भाई हैं, मैं अपनी फेसबुक पे पोस्ट तब लगाता हूँ जब सारा मोहल्ला या सारा इलाका लगा चुका होता है, मैं कहता हूँ अच्छा लगा लें कोई बात नहीं, मुझे पहल नहीं करनी है, जब मुझे तस्दीक हो जाती है कि वाकई ये बात है तो फिर मैं अपने अंदाज में दो चार लफ्ज लिख के उसको लगाता हूँ। हमारी जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे या हम जब सीखा था हम आए थे तो आपको पता है एडिटर होते थे, सब एडिटर होते थे, फिर एंड पे पेज जाते हुए फिर फाइनल होता था। अब चूंकि अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पास कैमरा है और हमारे जो दिल में मन में है गुस्सा है प्यार है क्रश है सब कुछ है, हमने हमारा क्रश है कोई जवानी का कोई बुढ़ापे का, तो वो भी हम अपने अंदाज में डिस्प्ले कर देते, उससे नहीं सोचते कि हमारी कंट्री पे हमारे मुल्क पे हमारा इमेज क्या है, हमारा फर्क क्या पड़ेगा। हम ये देखें ये यहाँ मौजूद है, उनको पूछे पाकिस्तानी पासपोर्ट की क्या सूरत हाल है, तो पाकिस्तानियों के बारे में कहा कहा जाता है, क्या सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, क्या आप ऐसे हैं? सब एक सवाल प्रोग्राम के कुछ आखिरी लम्हात में एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक सवाल है अवाम का सवाल है ना, पाकिस्तान में जो मौजूद है, पाकिस्तान में अवाम सोचती है कि जी यहाँ पे तो मिसाल के तौर पे किसी पर्सनैलिटी को मिसाल के तौर एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम किसी के बायस नहीं है किसी पार्टी के, अगर इमरान खान को माजी में किसी एस्टेब्लिशमेंट ने पसंद किया उसको लेके आए फिर उसका तजुर्बा किया वो बड़ा नाकाम रहा, फिर दोबारा जो अभी कहा जाता है ना फॉर्म 47 फिर उनको दोबारा मौका नहीं दिया, इसी तरह की एक थ्योरी सोच जो है अमेरिका के बारे में कि भाई ट्रंप साहब की एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो पसंद करती थी उनको लेके आए फिर उनके तजुर्बात देखे अब उसको सिमिलैरिटीज हैं दोनों चीजों में, क्या वाकई भी अब वहां की एस्टेब्लिशमेंट इस इलेक्शन में ट्रंप को नहीं आने देगी, उसकी मुदाखलत होगी? देखिए इसमें मुदस्सर इसमें होता यह है कि कुछ कंपीटिंग इंटरेस्ट्स होते हैं, ठीक है, यानी एस्टेब्लिशमेंट ओवरऑल ऐसा नहीं है जैसे कि हमारे मुल्कों का मामला है कि जो इतना ताकतवर है कि वो सबको रौंद के जो चाहे अपनी मर्जी से, यानी वो ट्रंप साहब की रियल कामयाबी होगी तो यहाँ के जो एस्टेब्लिशमेंट है बिल्कुल है, लेकिन वो टाइटैनिक को पूरा यूटर्न नहीं दे देता एक हफ्ते के अंदर या एक दिन के अंदर, वो अगर उनको देखेंगे वो अगर टाइटैनिक आ रहा है इतना बड़ा जहाज तो वो उस जैसे हमारे पास हुआ कि आपने जनाब अचानक रातों रात एक जनरल साहब ने फैसला किया है कि नहीं जनाब ये अच्छे नहीं है हमारे मुल्क के लिए, अब लिहाजा फना लोगों को ले आओ और इसके लिए ये करो वो करो उसको कॉल करो इसको कॉल करो, एक वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस करवा लो हो जाएगा अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हो सकता है वैसे फैसला इसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, जो हम आप अमेरिका में बैठ के सोचते हैं कि ये शायद किसी जनरल या एस्टेब्लिशमेंट, हो सकता है ऐसे ना हो जो हम सोचते नहीं, वो तो खैर देखिए ना ये तो अब वो अब आप चूंकि इस्लामाबाद में बैठे हैं आपकी मजबूरियां हैं आप ऐसी कहिए आपको यही कहना चाहिए आप जो कह रहे हैं, लेकिन ये क्या सब जानते हैं
चीजें हमारे पास किस नहीं, तरह नहीं, से है जी भाई, क्यों हम क्या कहे नहीं है, सिस्टम में चीजें तो हैं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं ज्यादा नहीं है, कम है, कम नहीं है, ज्यादा है, हिस्सा नहीं है, आइन का हिस्सा है तो मैं तुम्हारा ला सकती है। हाँ नहीं कर रहे हैं कोशिश, देखिए ट्रंप को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर ट्रंप लैंडस्लाइड से जीतते हैं और अगर एक वाजे उनको बर्तरी हासिल होती है तो फिर कोई उनको रोक नहीं सकता। और देखिए ट्रंप 4 साल रह चुके हैं, कोई कयामत नहीं आई, अमेरिका अभी भी एक सुपर पावर है, अमेरिका अभी भी दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क है, अमेरिका की इकोनॉमी अब भी सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका। ट्रंप साहब के हाथों वो 9 मई तर्स का भी एक वाक्य अमेरिका में हो चुका है, उसपे सजाएं मिल चुकी है 6 जनवरी को जो हुआ था, लेकिन बाकायदा उसको वो उसके तनाजुर में क्या एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, चले जी उसने उस तरह की एक तहरीक चलाई थी, चले अब हम नहीं मौका देते। नहीं नहीं बिल्कुल होगा, अगर ट्रंप जीतते हैं तो रेस्ट अश्योर्ड कि ट्रंप को मौका दिया जाएगा और इट्स वेरी लाइकली कि वो जीत जाएं, क्योंकि देखिए इस वक्त दूसरी तरफ जो सेंटीमेंट्स है ना, अब जैसे हमारे जो अपने पाकिस्तानी भाई मुसलमान लोग, एक तो पाकिस्तानियों को ये तवक्को है कि ट्रंप शायद इमरान खान को निकल देंगे बाहर, और दूसरे मुसलमानों को जो जो गुस्सा है बाइडन पे, क्योंकि गाजा में जो उन्होंने जो फलस्तीन पे जो इनकी पॉलिसी रही है बाइडन साहब की नाकाम पॉलिसी, और जिन्होंने इस तरह से इसको वहाँ पर मामला को चलने दिया है, तो उसकी वजह से बहुत से मुसलमान इनको वोट नहीं दे रहे, हालांकि इतनी बड़ी ताकत नहीं है कोई मुसलमान का वोट यहाँ पर पाकिस्तानियों का, लेकिन थोड़े बहुत कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो ये एक बहुत ही एक इट्स वेरी लाइकली कि ट्रंप जीत जाएंगे, अभी तक यानी कोई ये कोई पॉसिबिलिटी है बिल्कुल, और जीतेगा तो सही। मुदस्सर भाई आप क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी में मिलजुल रहे हैं, तो जो फैज साहब बात करेंगे, इट्स मीन के पाकिस्तानी कम्युनिटी टोटल इमरान खान की वजह से वोट ट्रंप को ही देगी। देखिए सारी कम्युनिटी का तो मैं नहीं कह सकता, अब देखिए ये जो एयरपोर्ट पे लोग जमा हुए कितने थे, हाउ मच पाकिस्तान की कम्युनिटी वाशिंगटन में, इनको पता है कितनी है फैज भाई, साथ में खाली 10-15 ही लोग थे, ज्यादा नहीं थे, मेरिलैंड में लोग रह रहे हैं, बाल्टीमोर है, वर्जीनिया है, ये पास पास है, 20-20 मिनट का फासला डैलस से, ये पहुंच सकते थे, मतलब ये गाड़ियां निकालने तो इनको 15-20 मिनट लगते हैं वहां पहुंचने में, हार्डली ट्रैफिक ब्लॉक भी हो तो 40 मिनट में पहुंचेंगे, तो कितने लोग थे, हाउ मच। इसी तरह हम जो क्वालिफाइड, मतलब ये चंद लोग हैं, आपको पता सोशल मीडिया हाइप दी जाती है, ये मानना पड़ेगा कि पीटीआई का सोशल मीडिया जो विंग है वो बड़ा मजबूत है, उसको बड़ा तरीका है, यहाँ से हैंडल हो रहे हैं, यूके से हैंडल हो रहे हैं, यूएई से हैंडल हो रहे हैं, मुख्तलिफ नामों से वो फेंकते हैं, और फेक चीजें इतनी ज्यादा कि आपको अंदाजा हो रहा था कि बंदा क्या कुछ रहा है और वॉइस कुछ है और किस अंदाज में, तो ऐसा नहीं है। आपको शायद मालूम होगा सर कि पीटीआई का जो ऑफिस है, मेन ऑफिस सोशल मीडिया का, वो यहाँ से करीब बाल्टीमोर में ही है। बाल्टीमोर में रहते हैं, वही ऑफिस है, बाकायदा लोग हैं, अहबाज गिल साहब, खामोश साहब, सब भी लोग यही इसी एरिया में, खामोश लोग हैं जो खामोशी से अपना उनका वो समझते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, वो इस मौजू को सच्ची बताए ना, उसको मौजू बहस समझते ही नहीं, वो सुकून से आराम से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, और यकीनन जब वोट डालने जाते हैं तो उस वक्त जज्बात नहीं होते, कोई बंदा सोच समझ के करता है। ये जो जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं जिनको हाइप देते हैं, और ये तो कि हमारा, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आप कल से अपने टीवी स्लाइड्स पे काजी फायदे साहब वाला मामला आप चला रहे होंगे, आप नवाज शरीफ के लंदन अमेरिका पहुंचने वाला मामला चला रहे होंगे, नहीं चला रहे होंगे तो शहबाज शरीफ जिस अंदाज में सऊदी अरेबिया में है वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री जोर लगा रही होगी, चला लें क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, नहीं चला रहे होंगे तो पाकिस्तान जो है वो ईरान के हवाले से आलमी अदालत इंसाफ में उसको अपने केस को दिफा करने के हवाले से वो जा रहा है, वो नहीं चला रहे होंगे। हमारे जो लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, आपको पता है मुसलसल उसकी जो लोग हैं वो शहीद हो रहे हैं, नहीं उस पर बात कर रहे होंगे, इन्फ्लेशन रेट पर हम बात नहीं कर रहे होंगे, बड़ी चीजें हैं जिसमें हम नहीं करते। मैं कहता हूँ उस पर गलत कमेंट ना करें, इन्फ्लेशन रेट मैं नहीं कहता कि आप शो करें कि यहाँ गलत है ऊपर है नीचे, एक्चुअल है उस पर बात तो करें, लोगों से बात तो करें, आम लोगों की बात तो करें कि भाई ये इसका किराया ये था, पेट्रोल ये था, ये था, यहाँ पे आम लोग जो है उनको मैंने देखा कि वो अपनी अपनी जो रोजमर्रा की जरूरियात है उस पर बात करते हैं, कैसे गेन हो सकते हैं, क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ, क्या मैं नया काम कर सकता हूँ, मेरी अर्निंग कैसे, सुबह शाम हम दिखाते हैं यही वाली चीजें, तो डेफिनेटली फिर वो हर कोई अपने अंदाज में पेश करते हैं उसको।
फैज भाई, आखिर में आखिरी सवाल आपसे प्रोग्राम के काम का वक्त में चाहूंगा, तो सर इसका सवाल करें, अगर रिपब्लिकन नहीं आती डेमोक्रेटिक आ जाती है, फिर खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन जो लगा रहे हैं, गुफ्तगु कर रहे हैं, वो कुछ उस बुनियाद पे कर रहे हैं। दसर भाई चाह रहे हैं कि इमरान खान आ जाए, तो कर लेते हैं बाद में, करके आता हूँ। नहीं, मैं नहीं चाह रहा, आप हम तो वहाँ की आपने बात छेड़ी है ना कि वहाँ के लोग चाहते हैं, तो इसलिए मैं उस बात को आगे लेके जा रहा था। ये जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात है ना, बड़े पेचीदा ताल्लुकात हैं और इसके बड़े डिफरेंट कॉन्ट्रोल्स होते हैं। इतनी सादा लोही नहीं है यहाँ पर, इतना सादा मामला नहीं है कि बस वो एक एडमिनिस्ट्रेशन आया और खान साहब जो हैं वो बाहर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। खान साहब की अच्छाई बुराई या जो कुछ भी उनके साथ होगा उसका ताल्लुक उसका पाकिस्तान के हालात से है, पाकिस्तान की स्ट्रीट से है, पाकिस्तान की सियासत से है। वहाँ क्या होता है, उनकी अपनी पार्टी इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करती है, ये ज़रूर होगा कि थोड़ी बहुत नरमी ज़रूर, अगर ये जो इंटरनेशनल प्रेशर जो बिल्ड किया जा रहा है उससे ज़रूर कुछ नरमियाँ ज़रूर हो सकती हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूँ, मुजफ्फर छोटी सी, आप मुझे सिर्फ 30 सेकंड्स में रैप कर दो। देखिए, जब भुट्टो साहब को फांसी दी जा रही थी, उनको सज़ा सुना दी गई थी, तो पूरी दुनिया ऑलमोस्ट यू नो जो भी मेजर मुमालिक थे, उन्होंने बाकायदा सरकारी तौर पर उस वक्त की हुकूमत से अपील की थी जनरल जिया से कि इनको छोड़ दिया जाए, उनको हम अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, शाह खालिद जो है वो जहाज भेजने को तैयार खड़ा था कि आप इनको आने दें, यानी पूरी दुनिया की तरफ से उनको अपील। लेकिन रातों रात जब वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट ने चाहा, एक जिया का एक शख्स है जिया ने, उसने उनको ले आके यू नो लटका दिया और 9-10 आदमी उनकी सिर्फ नमाज जनाजा में शरीक हुए। हमारी हिस्ट्री है, राइट, अफसोसनाक हिस्ट्री है। तो बेचारे इमरान खान के लिए चंद कांग्रेसमैन जरूर इकट्ठा हुए हैं जिनकी बुनियाद पैसों पर है, डोनेशंस पर है। लेकिन आप ये देखिए, इमरान खान के लिए कोई एक भी मुल्क खड़ा नहीं हुआ है, कहीं एक भी सरकारी सतह पर बयान जारी नहीं हुआ, अपील नहीं की गई कि इनके साथ कुछ ये किया जाए या वो किया जाए। तो हमारे जो सोचने वाले हैं ना पीटीआई के दोस्त, उन लोगों को जरा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जमीनी हकायक को सामने रखें और ये देखकर फैसला करें कि, और खुदा ना खास्ता कोई और इससे बड़ा हादसा रोनुमा ना हो जाए। ये मैं इस बात से ज्यादा मुझे इसकी फिक्र है कि कोई ये जो अपनी जो कंप्लेसेंसी है और ये कहना कि नहीं वो, और जो अंदाज आप लोगों ने अपनाया हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को बदनाम करने का और पाकिस्तान के हर मामले को उछालने का, इससे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, लेकिन साथ साथ पीटीआई के लिए और इमरान खान साहब के लिए भी मुश्किलात में इजाफा होगा। तो सर मैं इसमें ऐड कर लूं जाते जाते, मैं ऐड ये करना चाहूंगा इसी फैज साहब की बात से कि पीटीआई अगर समझदार होती तो आज इमरान खान साहब भी बाहर होते और बराबर कौमी धारे में शामिल होते। पीटीआई के मैं समझता हूँ, गलत हो सकता हूँ, कि लोग जो हैं जो इस वक्त चिल मार रहे हैं अपनी उन ओहदों का और सीटों का, उनमें से बहुत से लोग चाहते हैं कि खान साहब बाहर आ गए तो उनका तो पत्ता साफ है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अभी बुशरा बीबी के आने से केपी पे हलचल चल रही है, सबको जो कहते हैं ताकत का मंबा जो है वो तब्दील हो गया, गंडापुर से हटके बुशरा की तरफ चला गया, सब लोग बुशरा बीबी की तरफ देख रहे हैं कि वो क्या आर्डर जारी करते हैं, वजीर आला के होते हुए वो चल रहा है, तो खान साहब आएंगे तो क्या सूरत हाल होगी। अगर पीटीआई सियानी होती, पीटीआई समझदार होती, पार्लियामेंट सिस्टम में आके तरीके से कुछ चीजें अपनी मनवाती, कुछ जैसे अभी बिश्रा बीबी वाला और ये मामला हुआ है, तो ये तरीके से चलते तो मेरा ख्याल है खान साहब बाहर भी आ जाते, साल 6 महीने जरा कंट्रोल करते, जैसे मियां नवाज शरीफ लोगों ने उस वक्त को निकाला, चीजें की और दोबारा एक बड़े अच्छे अंदाज में वापस आ गए, अपने मोजे मार रहे हैं। तो खान साहब को, खुद खान साहब भी माशाल्लाह हैं, वो भी ऐन मौके पे आके ऐसी बात कर देते हैं कि जो बात चल रही होती है वो खत्म हो जाती है पिछली, फिर नए सिरे शुरू करनी पड़ती है, और फिर ऊपर से जो पार्टी है उस अंदाज में, ये जो कह रहे हैं कि दुनिया भर में जिस अंदाज में उसको पेश कर रहे हैं, अब अनफॉर्चुनेटली उनका रवैया, उनका अंदाज जो है उसको एक मस्बत पार्टी के तौर पे कहा, तो कल को शायद हो जाए, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता अब इसको सिर्फ एहतजाज की पार्टी का नाम जरूर दिया जा सकता। सही, बहुत बहुत शुक्रिया फैज रहमान साहब आपका, मुदस्सर इकबाल चौधरी साहब आपका, आप लोग दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया, आप दोनों अमेरिका में मौजूद हैं, अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से आज के प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की। नाजरीन, प्रोग्राम में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो बेसिकली अमेरिकन इलेक्शन था, लेकिन उसके पसे पर्दा दो मामला थे कि क्या अमेरिकन इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी आई
क्या वो इमरान खान को रिलीफ देगी या नहीं देगी, ये सवाल था जो मेहमानों ने इस हवाले से डिस्कस किया। एक सवाल जिसका यही जवाब दोनों मेहमानों ने दिया कि इलेक्शन में जो भी जीते लेकिन पाकिस्तान में होने वाली तब्दीलियों से उसका ताल्लुक इतना नहीं होगा, और सीनियर सहाफी फैज़ुल्लाह साहब ने वाज़ह किया कि जो भी हुकूमत आएगी अमेरिका के अंदर, जो भी बरसर इक़्तदार होगा, वो फौरी तौर पे पाकिस्तान के अंदर अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने या खास तौर पे इमरान खान के हवाले से कोई हिकमत अमली वाज़े नहीं करेगा फौरी तौर पर। तो नाज़रीन, इसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सर को दीजिएगा इजाज़त, आइंदा दोबारा हाज़िर होंगे, अल्लाह हाफिज़।